सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। इनेलो की रार अब खुलकर सामने आ चुकी है और इस लड़ाई से हरियाणा का सियासी पारा भी चढ़ गया है। सभी लोग 17 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी पार्टियों के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इनेलो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पेश है एक रिपोर्ट। इनेलो का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पहले दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला को पार्टी से निष्कासित किया गया था, अब अजय सिंह चौटाला को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और निष्कासन की वजह जींद में 17 तारीख को होने वाली बैठक को बताया गया है। इनेलो की ओर से कहा गया है कि अजय सिंह चौटाला कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुला सकते, इसके लिए इनेलो संविधान का हवाला दिया गया है। लेकिन पार्टी के स्फूट के बाद हरियाणा का सियासी पारा चढ़ गया है। कहा यह भी जा रहा है कि इस लड़ाई का असर आने वाले चुनावों पर पड़ना तय है। हरियाणा की बदलती सियासत के बीच नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इनेलो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। ये जो इनेलो पार्टी है इसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये जनहित का कोई बात नहीं कर सकती है, अपने स्वार्थ का करते हैं और जब तक चुनाव होगा ये डिमिनिशिंग कैडर है। जब तक चुनाव होगा इसकी पार्टी जो है का अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा। वहीं हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने अजय सिंह चौटाला के निष्कासन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक परिवार की लड़ाई है, इसका प्रदेश की जनता का कोई सरोकार नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि अब ये साबित हो गया है कि इनेलो बीजेपी की बी टीम है और इस झगड़े के पीछे बीजेपी के नेता हो सकते हैं। परिवार की अंदरूनी लड़ाई है, प्रदेश की जनता से कोई सरोकार इसका नहीं है। इतिहास दोहरा रहे हैं जो ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने भाइयों के साथ किया, वो आज जो वर्तमान पीढ़ी है वो उनके साथ भी और आने वाली पीढ़ियों के साथ भी कर रही है। बाकी लोगों के मन से पूरी तरीके से इनेलो और भाजपा उतर चुकी है। ये कुछ भी करते रहे उसका कोई मुझे नहीं लगता कि ज्यादा असर है। बीजेपी ने भी इनेलो के कलह पर बयान दिया है। हरियाणा के राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे परिवार का अंदरूनी मामला बताया। देखिए उनका अपना पारिवारिक ये मामला है और शासन तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने इनेलो का देखा ही है। जिस प्रकार का उनका शासन एक भय का वातावरण के अंदर प्रदेश की जनता रहती थी सब समझती है हरियाणा प्रदेश की जनता, परंतु उनका अपना पारिवारिक मसला है उसके अंदर कोई जैसा भी है उनका अपना मामला। चौटाला परिवार के बीच चल रही रस्साकशी से जहां इनेलो को नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, वहां ये भी कहा जा रहा है कि इसे पार्टी में कब्जे की जंग की शुरुआत माना जा सकता है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां इसका फायदा उठा सकती हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या नया घटनाक्रम होता है। चंडीगढ़ से एमएचपी न्यूज के लिए सुदर्शन पवार के साथ करनाल से कमल, जींद से रोहताश भोला की रिपोर्ट। जहाँ तो इनेलो में मचा घमासान, आखिर कब थमेगा भाई वर्सेस भाई की लड़ाई, आखिर कब शांत होगी ये देखना होगा 17 तारीख की रैली के बाद। फिलहाल अभी के लिए स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। एमएचपी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी हैं।